हेलो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 158 ए बी के बारे में हाँ जी न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है फाइनेंस बिल 2022 में प्रपोज किया गया है हाँ जी सेक्शन लाने की इंटेंशन है लिटिगेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना दोनों की डिपार्टमेंट की एज वेल एज एस की जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जो अपील्स हैं जो पेंडेंसी ऑफ अपील्स है आई के लेवल पे भी जो पेंडेंसी ऑफ अपील्स जो है वो डे बाय डे पाइल अप हो रही है उसको कुछ लेवल तक कंट्रोल करना और लिटिगेशन जो है वो कुछ लेवल तक रिड्यूस करना ये इंटेंशन है इस सेक्शन को लाने की हाँ जी तो देखते हैं वॉट प्रोसीजर वी नीड टू फॉलो वेर एन आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ़ लॉ हाँ जी हमें पता है इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप अपील में तभी जा सकते हो जब क्वेश्चन ऑफ़ लॉ जो है वो इन्वॉल्व हो डिस्प्यूट में इवन सब्सटैशियल क्वेश्चन ऑफ़ लॉ इन्वॉल्व हो तो प्रोसीजर वेयर आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़ पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो क्या प्रोसीजर अपील का जो है वो फॉलो किया जाएगा ये बताता है हमें सेक्शन 158 फिफ्टी एट ए बी हाँ जी तो देखते हैं सेक्शन 158 फिफ्टी एट ए बी क्या कहता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो अब एस एस को बेनिफिट दिया गया है ताकि उसकी जो अपील कॉस्ट है वो सेव हो जाए और उसको लिटिगेशन में जो परेशानियां होती है एस को जो उसकी ट्रैवलिंग होती है जो उसका मॉनेटरी एक्सपेंस होता है उसको काउंसिल हायर करना होता है वो सारी चीज़ों से वो कुछ लेवल तक जो है वो सेव हो सकता है सेक्शन 158 फिफ्टी ए बी के प्रोसीजर के द्वारा हाँ जी तो देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 158 फिफ्टी एट है के केस में मान लीजिए सी अपील या फिर आई टी ने सी अपील या फिर आई ने कोई एस का फेवरेबल ऑर्डर जो है वो पास किया मतलब एस के फेवर में कोई ऑर्डर आया राइट अब डिपार्टमेंट को आगे अपील फाइल करनी है सी अपील का ऑर्डर है तो आई में अपील फाइल होगी और आई का ऑर्डर है और क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो हाई कोर्ट में अपील फाइल होगी और सी ए और आई ने जो ऑर्डर दिया वो एस एस के फेवर में दिया या तो सी आई ने या फिर आई में अब यहां पे हमारे पास हाईकोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा एक आइडेंटिकल मैटर ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो पेंडिंग है वो क्या है क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग है और जो सेम केस होगा जिसको हम बोलेंगे रिलेवेंट केस वो एस के खुद के केस में किसी और असेसमेंट ईयर का भी हो सकता है और किसी और एस के केस में दूसरे असेसमेंट ईयर का भी हो सकता है कोई कंपलसरी नहीं है कि एस का ही केस हो किसी और एस का केस भी हो सकता है और किसी दूसरे असेसमेंट ईयर का भी वो हो सकता है तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो केस पेंडिंग है ऑन द आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ जिस पे सी आई टी ए और आई टी ए टी जो हैं वो फेवरेबल डिसीज़न दे चुके हैं एस एस सी के लिए तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट को जो है ये जो डिसीज़न दिया सी आई टी ए ने या फिर आई टी टी ने इस इस डिसीजन के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट को जो है वो अपील फाइल करनी है अगर सी आई टी ए ने दिया है तो आई टी टी में और आई टी आई टी ने दिया है तो हाई कोर्ट में राइट पर यहां पे डिपार्टमेंट जो है वो अपील फाइल नहीं करेगा अपील फाइल नहीं करेगा अब इसका प्रोसीजर है कि किस प्रोसीजर से डिपार्टमेंट जो है वो अपील फाइल नहीं करेगा अपील फाइल कब तक नहीं करेगा जब तक इस आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ना दे दें अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ में भी एस के फेवर में जजमेंट देते हैं तो मैटर वहीं के वहीं क्लोज हो जाएगा अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आइडेंटिकल मैटर में एस के अगेंस्ट में जजमेंट देते हैं तो फिर अपील फाइल डिपार्टमेंट करेगा राइट right. <coughs> तो यहाँ पे डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं करेगा सबसे पहले तो एस से जो है एस को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उस डिक्लेरेशन में उसको ये बताना पड़ेगा कि आप अपील फाइल मत कीजिए क्यों क्योंकि सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो पेंडिंग है विद जुरल हाई कोर्ट और विद सुप्रीम कोर्ट राइट तो एस एस ये डिक्लेरेशन फाइल करेगा अगर एस एस डिक्लेरेशन फाइल नहीं करता है तो जो नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता है अपील फाइलिंग का वो डिपार्टमेंट अपील फाइलिंग का प्रोसीजर फॉलो कर लेगा तो यहाँ पे एस को जो है वो डिक्लेरेशन फाइल करना कंपलसरी है अभी डिक्लेरेशन आ गया तो एक कॉलेजियम बनाई जाएगी कॉलेजियम में कौन होगा दो या दो से ज़्यादा कमिश्नर्स दो या दो से ज्यादा प्रिंसिपल कमिश्नर्स या दो या दो से ज़्यादा चीफ कमिश्नर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस तो कॉलेजियम डिसाइड करेगा कि हाँ आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग है उसके बाद कॉलेजियम जो है वो कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर को बताएगा कि आप अपील फाइल जो है वो नहीं करेंगे जब प्रिंसिपल कमिश्नर के पास कॉलेजियम की इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो प्रिंसिपल कमिश्नर जो है वो असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शंस देगा कि आप जो है वो अपील फाइल नहीं करेंगे और एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी आपको अगर आई में अपील फाइल करनी है तो आई में या फिर हाई कोर्ट में करनी है तो हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन जो है एसेसिंग ऑफिसर लगाएगा कि कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ़ लॉ जो है वो पेंडिंग है तो हम अभी अपील फाइल नहीं कर रहे हैं हम अपील फाइल तब कर देंगे जब ये आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ़ लॉ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे देगी अगर एस के अगेंस्ट में होगा तो कर देंगे अगर नहीं होगा तो मैटर यहीं के यहीं ड्रॉप हो जाएगा तो ये असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होगी आई में या फिर आ, जो जुडिडिक्शनल हाईकोर्ट है वहाँ पर तो इससे क्या होगा इससे डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट की लिटिगेशन कॉस्ट तो सेव होनी ही होनी है यहाँ पे एस की जो है वो भी लिटिगेशन कॉस्ट काफ़ी लेवल तक सेव होगी क्योंकि उसको भी काउंसिल अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट्स के लिए सबमिशन्स uh, प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है मतलब के जो मैटर है वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा उसकी अपील फाइल नहीं की जाएगी अगर आइडेंटिकल मैटर जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हाँ जी तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर फाइलिंग ऑफ अपील वेयर आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज़ पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपका कोई क्वेश्चन uh, है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें थैंक यू थैंक्स लॉट बाय